काज छोटा करना सीखेंगे, यानी बटन होल छोटा करना सीखेंगे। बटन होल ये जैसे कि बड़ा हो गया है, ये अक्सर जीन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, या सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों के जीन्स में या निक्कर में ये प्रॉब्लम आती है। इसमें बटन लगाने के बाद, ये बटन ऐसे लगाने के बाद कई बार ये उठने बैठने में खुल जाता है इस तरह। तो इसे आज हम कैसे रिपेयर करेंगे, मतलब छोटा करेंगे, इसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, धागा, सुई और सीज़र। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टिच मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो सबसे पहले हम धागे को सुई में डालेंगे। और इसमें गांठ लगा देंगे। गांठ आपको जैसे भी लगानी आती हो, गांठ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि कपड़े में से बाहर ना निकले। एक बार में भी नहीं गांठ लगती है, दो बार तीन बार में गांठ लगा दो। अब हम जीन्स का जो होल बड़ा हुआ है, बटन होल बड़ा हुआ है, इसको बैक साइड करेंगे। ये बैक साइड हो गया। अब इसके जो धागे निकले हुए हैं ये हम सीजर से काट देंगे। इसके बाद सारे धागे को काट देंगे जो भी निकला हुआ है। अब हम इस काज को ऐसे पकड़ेंगे और सबसे किनारे से जिधर का धागा उधड़ा हुआ है वहाँ ऐसे हम एक जगह सुई मारेंगे। से दोनों किनारों को पकड़ेंगे और ऐसे सुई एंटर करेंगे इसमें और सुई के ऊपर से ऐसे धागा घुमाएंगे। इसी तरह से हम बार बार धागे को घुमा के बांधते जाएंगे। ये सिलाई हम वहाँ तक करेंगे जहाँ तक हमें ज़रूरत है। इसके लिए आप बटन को एक बार ऐसे लगा के और देख लीजिए कि हमें कितना छोटा होल चाहिए ऐसे, और जहाँ पे आपका बटन का निशान आ रहा है ऐसे वहाँ एक निशान मार दीजिए। आपने यहीं तक सिलना है।
इसे घुमा के देख लीजिए कहाँ तक हमारा निशान है। ये है निशान, ये निशान है। यहाँ तक सिलाई हो गई आपकी कंप्लीट। अब आपने धागा को सिलाई के एंडिंग में दो तीन बार ऐसे ही घुमा घुमा के इसको पक्का कर दीजिए। ये हो गई आपकी सिलाई कंप्लीट, रिपेयर हो गया। अब आपने इसको सीजर से यहाँ से धागा कट कर देना है। ये देखिए उल्टा साइड है ये, और आप अपा ये सीधा साइड है। ये काज आपका बटन होल छोटा हो गया और बटन अब बाहर नहीं निकलेगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।